आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन युवराज अभिजीत शाह, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके हाथों से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित होकर अभिजीत शाह का हौसला बढ़ाया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा के छोटे भाई पप्पू पटेल, जो कि सिराली कांग्रेस कार्यालय आकर अभिजीत शाह के सामने कांग्रेस ज्वाइन की, और पप्पू पटेल ने कहा कि मैंने कांग्रेस का अच्छा नेटवर्क एवं अभिजीत शाह के कारण कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और मैं कांग्रेस एवं अभिजीत शाह के साथ हूँ। पप्पू पटेल के अलावा लगभग 20 दूसरे लोग ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर अभिजीत शाह ने ऊर्जा भर दी हो, जिस कारण सभी लोग कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अभिजीत शाह ने कहा कि भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें कोई भी बैठना नहीं चाहता है। हम तिमरनी विधानसभा की सीट भारी बहुमत से जीत रहे हैं। नवीन गौर की रिपोर्ट, आज की आवाज। बाबा, चुनाव में आपके चाचा सामने खड़े हुए हैं, तो इसको किस नजर से देखते हो आप चुनाव कैसे लड़ोगे? देखिए, ये चाचा भतीजे की जंग नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की जंग है। बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है। अब अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं अमर सिंह जी मीणा, उन्हीं के परिवार से उन्हीं के भाई आज कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि नीतियां जो थी वो पूरी तरह से किसान विरोधी थी। आप देख रहे हैं कि कल कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है और उसमें साफ लिखा गया है कि सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक का हो या लोकल बैंक का हो। अंकित बाबा के कार सेली के कारण कांग्रेस ज्वाइन की, और अंकित बाबा के साथ कंधे लगा के साथ में कांग्रेस पार्टी का काम करूँ कांग्रेस पार्टी का काम करूँ और मैं भाई के नाम से जिला पंचायत, आप जिला पंचायत जिला अमर सिंह मीणा के छोटे भाई हैं जी, तो आपने मतलब कांग्रेस ज्वाइन किया जी,